सर थॉटलेट मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है, हाँ, तो उसके लिए क्या हमारा पुरुषार्थ रहेगा? यस फ्रेंड्स, मैं 8 साल का साधना के बाद मुझे थॉटलेस स्टेज के ऊपर पूरा ग्रिप आ गया है 8 साल करने के बाद। ओके, सो अभी मैं आप सभी को तुरंत थॉटलेस स्टेज आने के लिए मुझे तो इतना साल लगा ना 8 साल का साधना के बाद, पर आपको इतना साल नहीं लगना है, बहुत ही कम दिनों में, कुछ ही महीने में, नहीं तो कम दिनों में आने के लिए मैं एक ये डिज़ाइन है ये वाला है, रात का नींद का टाइम को साधना का टाइम में कन्वर्ट करना। इससे क्या हो जाते हैं, आपको बहुत ही थॉटलेस स्टेज के ऊपर ग्रिप आ जाते हैं। क्या करना है आपको, ये 3 दिन 3 नाइट और 3 दिन क्या करना है, लेटना नहीं है, बस आपको जितना भी नींद आ रहा है तो चेयर में ही बैठ के थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, नहीं तो नीचे बैठ के जितना देर नीचे बैठ सकते, पेन नहीं है आपके शरीर को बैठने का क्षमता है तो तभी नीचे बैठना, नहीं तो चेयर में बैठना। ठीक है, चेयर में बैठ के चाहे तो आपको क्या करना है, आगे एक चेयर लगा के, आपको फॉर एग्जांपल पेन है फिर भी चेयर में बैठने में कंफर्टेबल नहीं है, तो आगे एक चेयर लगा के उस चेयर के लेग्स पैर स्ट्रेच करके चेयर में ही बैठना है, 3 दिन ऐसा ही बैठना है फ्रेंड्स। ठीक है, एक करने से क्या हो जाता है, आप सभी का सोच विचार कम करने में क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, जनरली 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल 2-3 जन्म 30-40-50 जन्म लगते हैं सोच विचार स्टॉप करने में। नॉर्मली सोच विचार स्टॉप हो तो हमारा सारा कर्म क्लियर हो गया, सारा हेल्थ भी आ गया। सोच विचार क्लियर करना इतना इजी नहीं है, आप ऐसा सर क्वेश्चन पूछ रहे कि इतना मैं बता दूं 1 मिनट, ऐसा नहीं हो जाता, आपका श्रद्धा से प्रैक्टिस से हो जाते हैं। तो हमारा ये टेक्निक निकाला है कि कैसे सोच विचार के ऊपर काबू बहुत जल्दी आना है करके, मैं टेक्निक के ऊपर बहुत रिसर्च करके 20 साल का रिसर्च करके निकाला हूँ। ठीक है, ये टेक्निक से आपको जिनको सोच विचार के ऊपर काबू आना है जल्दी से जल्दी, तो आपको क्या करना है, ये 3 दिन के अंदर क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट है, आप 1 मिनट भी नहीं ले डाउन कर लिया तो तब आपका सोच विचार का बहुत कम हो जाता है, 3 दिन के अंदर ही 90% से ज्यादा सोच विचार कम हो जाते हैं आपका, तीसरा दिन आते आते आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पर थोड़ा मुश्किल जैसा लगते हैं, थोड़ा नाइट टाइम या मॉर्निंग टाइम मुश्किल लगता है, बट हम सारा है आप सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, आपको बॉडी को क्या करना है, नाइट टाइम में 2-3 चीज ही करना है, आप बैठ रहे हैं, ओके, तो बैठने के वक्त ऐसा बैठ गया है थोड़ा ज्यादा देर बैठने में से थोड़ा पेन इधर पेन लेग्स में पेन आ जाते हैं ना, पेन आने में क्या करना है, हम ऐसा करते हैं नॉर्मली पेन ऐसा करके ऐसा फेस एक्सप्रेशन ऐसा करके ऐसा ही रखते हैं, तो फेस एक्सप्रेशन फिर से ऐसा ही फिक्स हो गया, तब आपका एनर्जी चला जा रहा है पूरा। तो क्या करना है, कभी भी मूवमेंट करना है, स्थिर सुखासन बैठना, पेन आ गया मूवमेंट करना है तो मुस्कुराते हैं धीरे से ऐसा थोड़ा मूवमेंट करके बैठना है, नहीं तो ऐसा थोड़ा मूवमेंट करके ऐसा भी बैठ सकते हैं, नहीं तो फिर भी ज़्यादा पेन ज़्यादा अनकंफर्टेबल है तो धीरे से मुस्कुराते हैं धीरे से एक बार स्ट्रेच करके नहीं तो एक दो बार थोड़ा वॉकिंग करके स्ट्रेच करके ऐसा ना, कभी बैक पेन है तो ये वाला स्ट्रेचिंग ताड़ासन वाला 1-2-3-4 ऐसा 4-5 बार करके ऐसा करके ऐसा ओके, सो ऐसा स्ट्रेचिंग करके थोड़ी देर वॉकिंग करके बैठना है बस। आपको हमेशा क्या करना है उसी टाइम पे स्लोली करना है, मुस्कुराते हुए करना है बस। ये दो करने से क्या हो जाता है, आपका नाइट टाइम का सारा शक्ति आपको सेव होके बढ़ जाते हैं। नॉर्मली क्या मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों शक्ति जा रहे हैं, मैं शक्ति को देख सकता हूँ फील कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं सबको शक्ति कैसे कैसे जा रहा है क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ ना, मैं देख लिया। फेस एक्सप्रेशन अच्छा, जब तक आपका अच्छा है तब तक आपका शक्ति आ रहा है, फेस एक्सप्रेशन जब तक पेन आ ऐसा करते हैं ना, ऐसा फेस एक्सप्रेशन बस उधर से चला जाते ही रहते हैं। ठीक है ना, क्लियर। आपको क्या करना है, पेन आए तो मुस्कुराते हुए धीमे से खड़े होके बैठना है, रात भर कोई कभी भी मूवमेंट करना है तो स्थिर सुखासन में ही बैठना है, रात भर कभी मूवमेंट करना है तो पेन आए तो मूवमेंट होना है ना, तब क्या करना है, मुस्कुराते हैं धीरे से
मूवमेंट करोगे। ये फॉर्मूला हम इम्प्लीमेंट कर ले तो आप रात भर अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और रात भर क्या करना है, हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। और इंस्ट्रक्शन क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारा तनाव है, जनरली स्ट्रेस रहता है ना, कभी कभी सोचते हो ऐसा है ना, फोरहेड नॉट कहते हैं ऐसा करके, ऐसा सोचते है ना, इसको क्या करना है, इसको रिलीज रिलैक्स करना है। रिलैक्स है नहीं, शांत है नहीं, चक्कर आके में भी तो टाइटनेस है, उसको भी तो कभी कभी रहता है तो रिलैक्स है, शांत में है या नहीं, शांति स्थिति। अरे कंधे भी ऐसा कभी कभी टाइट रहते हैं, कंधे को भी रिलैक्स है या नहीं, हाथ हाथ में भी मसल्स को टाइट है नहीं चेक करते हुए, ओके छाती को। और स्टमक को कभी कभी ना क्या करते हैं, हम दूसरे लोग देख रहे हैं कि हम स्टमक को अंदर करते हैं, टाइट करते हैं स्टमक को भी। ध्यान के वक्त क्या करना है, रात में थोड़ा ढीला छोड़ रिलैक्स करना है, ओके इंपॉर्टेंट रिलैक्स करना है, स्टमक को रिलैक्स करना है। स्टमक बाहर आ रहा है तो भी रिलैक्स करके, बाद में खाने के वक्त वो तब याद करना है अंदर करने के, खाने के वक्त अभी रही, ध्यान के वक्त ना क्या रिलैक्स करना है, ठीक है। और लेग्स को भी एक बार पूरा ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए रिलैक्स करते रहना हर एक दो मिनट में बॉडी को, तो क्या हो जाता है आपको गहरे ध्यान का स्थिति में जाने के लिए बहुत मदद करते हैं, ठीक है।